अभी बहुत पेन हो रहा है दीदी। मीत दीदी को आजकल चेयर पे बैठने की आदत हो गई है। तो हम निकल रहे हैं गौशाला, और गौशाला का नियम ऐसा हो गया जैसे हमारी जिंदगी का बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी पार्ट। और इस लुक में रचना कह रही है तुम बहुत गंदे। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सुबह सुबह मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि मुझे डाउट है कि डॉक्टर थोड़ा देर बताते हैं क्या मुझे खुद फिर से वो प्रॉब्लम वापस आ गई है, या तो मुझे ऐसा फील हो रहा है। चलते हैं डॉक्टर के पास। और हम ये लेकर आए थे तो हम चिड़ियों को पानी डाल देते हैं, यहीं से भर के डाल देते हैं और रखा रहेगा बढ़िया। ओहो, पहली बार पानी फेंक दिया क्योंकि पानी गंदा था, पूरा लाल लाल हो गया था। अब ठीक है। हाँ, कहाँ रखे कहाँ रखे कहाँ रखे, आओ उधर रख देते अपने घर के सामने, कोई ना कोई इसको भर भी देगा। फिर पक्षी के लिए रख दिया दोस्तों, बढ़िया। तो दोस्तों निकलते हैं, चिड़ियों को डाल दिया है, गाड़ी थोड़ी सी धोली थी, गर्मी में हालत खराब हो गया, इसलिए कार से जा रहे हैं। मैं पहले बाइक से जाने का सोच रहा था, मगर बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आवाज़ कर रही थी गाड़ी, तो मैंने कहा इतनी दूर जाना रिस्क लेंगे क्योंकि डॉक्टर बहुत दूर बैठे हैं मेरे घर से, और फिर ऑफिस भी जाना है वापस, तो अननेसेसरी रिस्क नहीं ले, धूप भी है, तो बस यही हाल है। बस फिर से ना हो, मुझे ऐसा डाउट लग रहा है, दर्द हो रहा है, तो दिखा लेते हैं, चलो और बात करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप लोग कहेंगे केयर नहीं किया इसलिए डबल से हो गया, या ये तो मेरी डाउट है, हुआ नहीं, वो तो डॉक्टर बताएगा। मुझे अभी भी पेन है उस एरिया में बैठने में, खासकर बाइक में, तो वो बाइक का कुशन खराब है। ऑफिस में मैंने नया कुशन लिया है मगर वो तक काम नहीं कर रहा है, नया कुशन लेना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा पता नहीं क्यों गंदा आदमी हूँ, फाइनेंशियली मैं अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाता हूँ, सच बात ये। और रही बात डाइट की, तो बैलेंस डाइट ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, कभी कभार जैसे हम शादियों में गए थे तो वहाँ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गया होगा, और घर पे भी रात को तो मैं मोस्टली फाइबर ही खाता हूँ, रात को मैं कुछ और खा ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ फाइबर खा रहा हूँ। तो ऐसा है, रचना एक टाइम रात को खाना बंद कर दिए जब से हम भोपाल से आए, रात को कुछ भी नहीं खाती, तो घी तो हम क्या करते हैं मोस्टली दलिया खा लेते हैं या खिचड़ी खा लेते हैं। अब उसको हम ब्लॉग में नहीं बताते कि वो बताने वाली बात तो है भी नहीं ऐसे भी है ना, तो चलो देखते हैं। डॉक्टर बस है कि क्रॉस फिंगर है कि ना कहे कुछ भी गलत हो, बस यार है ना। और यार सुबह सुबह थोड़ा सा ही किया है, तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है, मगर इतना ट्रैफिक है, मैं 15 मिनट हो चुका हूँ और ऑफिस भी पहुँचना है। जब ऑफिस में वाट ना लग जाए, मतलब मेरा बॉस नाटक है, हर कभी छुट्टी ले लेते हो इस दुनिया में, क्या करूँ, मतलब टाइम से निकला था, बहुत जाम है, 15 मिनट हो चुका है, पता नहीं क्योंकि उस साइड भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, देखेंगे आपको। ठीक है यार, अब क्या करो। तो दोस्तों अगर ये मैंने ऑब्जर्व किया कि हम जब से शादी से आए आप ब्लॉग कम देख रहे हैं, तो प्लीज़ यार टाइटल थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बच्चे हैं घर में, थंबनेल इधर उधर हो जाता है, आजकल हम थंबनेल अलग से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यार, प्लीज़ सपोर्ट करो यार, अगर आप ही लोग नहीं देखोगे तो फिर यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है वो नए यूजर्स को नहीं पहुँचेगी। तो दोस्तों पहुँच गए लेके फाइल, बस जल्दी जल्दी काम हो जाए, डॉक्टर को दिखाना है, फिर ऑफिस भी जाना है। अभी ट्रैफिक था, बहुत ट्रैफिक है रोड पे यार, क्या करो, इंदौर है। दोस्तों आ गए, अभी बहुत पेन हो रहा है, ये लॉन्ग सिटिंग अभी भी अवॉइड करना चाहिए, डॉक्टर से पूछ लेते हैं और भी कुछ अगर सर बताएंगे कि ये अवॉइड करो वो अवॉइड करो, तो वो भी हम मेजर करेंगे। तो क्या हुआ, मैं इसलिए पूरी फाइल ले आया, पूरी फाइल इसलिए ले आया कि पता नहीं सर वो कुछ देखना हो, है ना, फिर यहीं से ऑफिस में निकल जाएंगे, उसको जो मेडिक्लेम का भी भरना है, जो प्री और पोस्ट है ना, वो अभी इसलिए नहीं भरा कि सर एक बार अगर सोनोग्राफी बोलेंगे तो वो भी एक ऐड हो जाएगा, नहीं तो फिर होगा कि वो फिर गया अपनी जेब से। तो बड़ा घाव था क्रेशर, 3 से 4 महीने और, अभी आप ध्यान रखो उसको, बहुत धीरे धीरे भरते हैं घाव ये, अभी भी आप ध्यान रखें। डाइटिंग भी बताई है मैंने, जो बताया तो उन्होंने कहा ठीक है ऑलमोस्ट वैसे ही कर रहे हो, और एक दो चीज़ें उन्होंने बढ़ा दी हैं, बस लॉन्ग सिटिंग अभी भी अवॉइड करें, मगर ऑफिस से तो करना पड़ेगा, उसके लिए उन्होंने कुछ टिप्स दिए हैं। बहुत गर्मी है यार, मगर मेरे को हेलमेट भी लेकर आया था, बाइक चालू नहीं हो रही थी, मैं चल तो रही थी, आवाज़ कर रही थी वो बाइक बहुत ज़्यादा, इसलिए। चलो दोस्तों गर्मी का मजा लेने और चलते हैं ऑफिस पे। तो दोस्तों इधर से जो रास्ता जाता है ना, ये जाता है वागेश्वर धाम, जो अभी आए हमारे धीरेन्द्र शास्त्री उनकी कथा चल रही है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे जाम लगना शुरू हो गया। ये तो बहुत दूर है हालांकि उस लोकेशन से, फिर भी हमारा भी मन था, सोच रहे थे जाने का, देखते हैं कल जा पाते हैं ये जब तक ख़त्म ना हो जाए, बस इतना हमारे को वो चाहिए। तो बच्चों के साथ गर्मी बहुत है, एक बार देख के आना था उनके, क्या बहुत बहुत नाम सुना है, इतना नाम सुना है, भीड़ भी उतनी है
देखते हैं, कोशिश करते हैं। दोस्तों बहुत पेन हो रहा है यार, मैं ज्यादा देर से मैं जब भोपाल गया था शादी में तब तो इतना पेन नहीं था, ये एक आध बार हुआ जरूर था, या पेन किलर मैंने वो पैर के लिए खाई थी इसलिए मुझे पता नहीं चला, मुझे बड़ा कन्फ्यूजन था, मगर अभी एकदम से पेन हो रहा था। मैं अभी वापस घर जा रहा हूँ, आज हाफ डे ऑफिस जाएंगे है ना, मैं बॉस को फ़ोन कर दिया है मैंने, वापस घर जाते हैं कुछ खा पी के और फिर घर जाते हैं। हालांकि रचना ने लंच रख दिया था मुझे, वो घर भी खा लेंगे। तो भैया दीदी नमस्ते, कहाँ बैठे हैं अपन, तैयार हो के? और दोस्तों मैं अच्छा हुआ घर आ गया, आप डे ही सही, मतलब आप जब भी जाऊंगा वापस ऑफिस। हाँ ये देखो मैं यही भूल गया चार जने, क्या बोला डॉक्टर मैं बताता हूँ, हमें आप नहाए नहीं, मैं तो आप आऊंगी तो ही नहा पाती हूँ ना, मैं लेट हो गई थी, मेरे को फिर एक्सरसाइज भी करनी थी। तो मैं आज नहीं आता फिर भी, तो कैसे नहाती तो फिर सोते तब नहाती। हाँ तो डॉक्टर ने बोला डरने की बात नहीं है, बहुत बड़ा घाव था, टाइम लगता है रिकवरी में, 3 से 4 महीने और अभी आपको टाइम लगेगा। कुछ लोग तो कहते ना 1-2 महीने में दर्द क्यों नहीं जा रहा है। हाँ तो उन्होंने कहा कि बड़ा घाव था आपका, हाँ कहले वो निकलेगा, जो पस निकलता अभी अभी कहले निकलेगा 3 से 4 महीने, अब तो काफी हील हो गया है, थोड़ा सा बचा अभी भी बचा सोच, क्योंकि बड़ा था इस कंपेयर टू अदर्स, ड्रेसिंग तो अपन कर नहीं रहे। हाँ तुमने कहा ध्यान रखो, वाइप करो, पाउडर लगाओ, सो गीला ना होने दो। तो आप डेली बीटाडीन से वाइप करवा लिया करो। हाँ यार क्या बना रहे हो, भूख लग रही है फिर वापस जाऊंगा। तो आप कह रहे थे ना गर्मी में हैवी नहीं खा पाते, तो मैंने सोचा आज मूंग दाल का चीला और चटनी खा लेते हैं। बढ़िया है ना, अच्छा है, रोटी गर्मियों में इतने खाते हैं, रात को खा लो, दिन में एक दिन कभी भी खा लो। ओ दीदी कहाँ जा रहे है, कहाँ बैठे हैं आप? भैया दोनों ने एक जैसी ड्रेस पहनी है। दीदी मीत दीदी को आजकल चेयर पे बैठने की आदत हो गई है। कोने में बैठी, देखो कोने में बैठी है। आपने नहा लिया? नहीं नहाया आपने अभी? अभी रखेंगे, पापा रखेंगे, टूट जाएगा, वैसे ही टूट रहा है दोस्तों। देखो ये बच्चों ने गिरा दिया था तो टेप लगा काम चला रहे हैं अभी हम, ये हाल है। चलो अभी ले, हाँ 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 ले ले ले, निकलते हैं ऑफिस, मिलते हैं आज से शाम को, जब रचना आपसे मिलेगी। चलो लिफ्ट अगर फ्लोर पे मिल जाए तो समझो कि आपकी किस्मत अच्छी है। यूनिवर्सिटी में हाफ लग गया पर ठीक है, डॉक्टर को दिखा भी दिया। तो हेलो दोस्तों, अभी बज रहे हैं 5:30 और ओहो पानी लग गया, और मैं मेरे लिए बना रही हूँ सूजी का डोसा। रीजन ये कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, बच्चे रो नहीं रहे थे, बच्चे सब खेल रहे थे, मैंने जैसे ही बनाया तो फिर बच्चे तो बच्चे हैं, और चाहिए तो फिर गीत को दिया पहले। अभी बना रही बेटा, गीत ने के साथ साथ दोनों रीत और नीतू से खाने नहीं देते तो उनको खिलाया, तो और बना ही रही हूँ मैं अभी। सच में फ्रेंड खाने का मुझे थोड़ा सा आप बोलेंगे बार बार बोलूँ, क्योंकि मेरे लिए नया है ये कि 3-4 लोगों का बच्चे हैं, सबके लिए टाइम टू टाइम 2-3 घंटे में खाना बनाना या क्या दूं नया नया, मेरे लिए थोड़ा नया है। तो प्लीज़ थोड़ा कमेंट करके बताइएगा बच्चों के लिए, क्योंकि वो लोग छोटे बच्चे हैं, वो वैसे नमकीन चीज़ें नहीं खा सकते ना, मुंह में फंसने का डर रहता है, ये सब चीज़ें तो मुलायम होती खा लेते हैं। पीछे पीछे आ चुके हैं सब लोग, मेरी सेना मालदेव जी मजाक उड़ाते कि ये मेरी आर्मी है। बना ले बेटा, बन गया है ना। एक्चुअली मुझे भी भूख लग रही थी, मैं भूख लग जाती है, मेरा इतना बड़ा शरीर है मुझे भी भूख लगती है, मैं मेरे लिए कुछ अलग नहीं कर पाती हूँ, सुबह एक बार कर भी लूँ फिर दोबारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो ये छोटे छोटे से बना लेती हूँ मैं, कभी रागी के कभी बाजरा के, ये तो सूजी दही था इसलिए बन जाता है ये सूजी का फटाफट से। और ये तो सॉस भी दे रही, एक और दे देती हूँ ना गर्म गर्म। क्या है सुबह शाम तो खाना बना सकते हैं, नाश्ते में भी ब्रेकफास्ट दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो बीच का टाइम होता है ना, छुट्टियां चल रही तो बहुत जरूरत पड़ती। कैसा बनाएगी? अच्छी अच्छी। पहले बच्चों को खिला रही हूँ फिर खुद खाऊंगी। अब रोटी का ऐसा है ना फ्रेंड्स, रोटी एक टाइम खा लेते हैं बच्चे, ठंडी नहीं खाते, ठंडी में मज़ा भी नहीं आता खिलाने में भी खाने में भी। दाल चावल बने, आज नहीं बनाए, चावल ख़त्म हो गए थे तो दाल चावल रहता है, चलो खा लिया, खिचड़ी खा ली, बना देती हूँ मोरधन बना देती हूँ मैं, ये चीज़ें चल जाती। अब समझ नहीं आ रहा कि इन बिटवीन क्या करूं, क्योंकि ऐसा है कि छुट्टियां चल रही, बोर होती है, गीत को खाना है तो बच्चे के हम जो खाते हैं वो खाते हैं, ऐसे नहीं है अलग से उनको खिला देते हैं, पर नहीं, जब अगर मैंने ये बनाया तो बच्चे खाते हैं, और खिलाना भी चाहिए अगर बच्चे इंटरेस्टेड है। सब कुछ कभी नहीं देख, अब तो 1+ साल के हो गए, पहले मैं शुगर और सॉल्ट नहीं देती थी, पर 11-10 महीने के होने के बाद से मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया था, तो अब तो जो भी है तीखा है सब है सब खिलाने लगे हम, क्योंकि अलग से बार बार नहीं बन सकता, 1-2 मील बन सकती, खिचड़ी बन गई उनकी, दाल बन गई, इसके अलावा नहीं बन सकता ना, तो मैं बना के रख लूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे मील प्लानिंग करनी पड़ेगी यार, क्योंकि बहुत एकदम से सडनली भूख लगती है, बच्चों को समझ में आता क्या करूँ इस टाइम पे, खासकर शाम को क्योंकि खाना खाने में तो बहुत टाइम है क्या। और ये लोग मस्ती करते रहते हैं घर में, आ जा
खा लिया आपने? नहीं खाया। फिनिश करो फिर। अभी गम है। गम है? रीत, अब रीतो की मीतो। उसको परेशान करते हैं, पता है वो पढ़ाई भी, पढ़ाई मतलब कुछ भी, पेंटिंग करती, कुछ भी करती है, तो वहाँ करेगी तो वहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ करेगी तो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो जैसा आपको घर की हालत दिख रही होगी ना, इसीलिए मुझे एक ऐसा घर चाहिए जिसमें सब बाकी सब सामान पैक हो, हम सिर्फ हॉल में रहें, सिर्फ नीचे लेटने का हो, सोफ़ा बेड कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग नीचे ही नीचे रहते हैं। ये देखिए, अब तीन चेयर लानी पड़ेगी, उसके पास जाके बैठ गई है। हाँ खिला दो, और गीत भी प्यार से खिला देती है उन लोगों को। नहीं हटेंगे। तो दोस्तों हम आ गए हैं घर, हमारे दोनों बिटिया रानी, हमारे पांच आ गई, दीदी तीनों आ गई हमारे पास। ओली क्या करना है? सबको नमस्ते कर दो। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय माता दी। उसको भगा रही है, दूर कर रही है। ये तो बोले कॉम्पिटिशन की भावना आ गई। पीछे आप दिख रहा होगा जो कचरा रखा हुआ, इग्नोर करिएगा दोस्तों, पिंक कलर का। हाँ डोसा खाएंगे, डोसा खाएंगे। तो दोस्तों ये जो पिंक कलर से कचरा आपको दिख रहा है, इग्नोर करिएगा, बच्चों घर है ना, कचरा हो जाता है, हो जाता। अब मैं ऑफिस आया हूँ, कचरा समेट दूंगा। मतलब तुमको पता है। कचरा हिल रहा है क्या अपने आप? क्या कह रहा है दोस्तों? ऐसी आदत होती है रचना की, रचना बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए मुझसे भी बदतमीजी से बात कर जाती हूँ। मैं तो सह लेता हूँ, आम आदमी थोड़ी सह, उसको थोड़ी बता आपकी क्या बात कर रही हूँ मैं, इसलिए किसी से बात ही नहीं करती हूँ। चलो दोस्तों, थोड़ी देर बात करता हूँ। मुझे ये लुक मुझे अपने आप को पसंद नहीं आ रहा सच में। मुझे वो दाढ़ी वाड़ी अच्छी लगती है, मगर रचना कहने पर मैंने छोड़ दी। मैंने आपको देखा भी नहीं सालों से। तो हम निकल रहे हैं गौशाला, और गौशाला का नियम ऐसा हो गया जैसे हमारी जिंदगी का बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी पार्ट। और इस लुक में रचना कह रही है तुम बहुत गंदे दिख रहे हो, बहुत दिनों बाद बिना दाढ़ी के देखेंगे। मुझे ऑफिस में भी कुछ लोगों ने कहा कि बड़ा अजीब लग रहे हो। क्या मैं आपको भी उतने अजीब लग रहा हूँ? है ना, मुझे तो लग रहा है। तो बच्चे जा रहे हैं, ये तीनों सो गए, इसलिए सुस्त लगेंगे आपको अभी। मैं ऑफिस आया उसके तीनों सो गए थे। अभी तो कह रही थी। तो बाय करने का समय आ गया है, ब्लॉग खत्म करना पड़ेगा। और आज ज्यादा कंटेंट आपको उम्मीद अच्छा लगा हो। जो नेचुरल लाइफ है वो ही बता रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग का फीडबैक आता है कि बहुत अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं यार बहुत बोरिंग है, बहुत पका हुआ है, मन नहीं करता देखने का, रिकॉल वैल्यू नहीं। मतलब कि अगर आपका कोई पहली बार देखेगा तो दूसरा वीडियो देखने नहीं आएगा। तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। वो थोड़ा कोशिश करते हैं, एफर्ट देंगे, आने वाले वीडियो में आप देखेगा आपको। और हम इसलिए करना चाह रहे हैं कि आस्क योर क्वेश्चन करके आप क्वेश्चन पूछें। आज वैसे वो वीडियो आने वाला था मगर वो शूट नहीं कर पाए। आपके बहुत सारे क्वेश्चन जरूर आए हैं, हमने इंस्टाग्राम से पूछा, फेसबुक से पूछा है, और यूट्यूब से पूछा है। तो तीनों जगह के हम लेंगे और उसको डालेंगे एक नेक्स्ट वीडियो, या कल या परसों, जब भी आ जाएगा, जब शूटिंग हो पाएगी। क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे सो जाए तब हम शूटिंग करें, नहीं तो क्या होगा, बच्चे आके कैमरा हिला देंगे, ये तुम समझ सकते हो। तीन है। तो नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करेंगे और फन आएगा, एंटरटेनमेंट आएगा, कॉमेडी आएगी, जरूर आएगी। माता रानी कृपा करेगी हम पे, थोड़ा ब्लेस करेगी हमारी क्रिएटिव थिंग्स को। तो जय माता दी। प्लीज़ जो भी आपके व्यूज हैं या किसी और क्रिएटर से इंस्पायर अगर हमको लेना चाहिए, वैसे हमने आज तक कभी किसी क्रिएटर को देखा नहीं कि उसको हम लें, क्योंकि वो कॉपी होने लगता है, इसलिए नहीं देखता हूँ मैं। इसलिए नहीं देखता हूँ कि कॉपी होने ना लगे लाइन है वर्ड, फिर आपका मतलब, ये मेरा पर्सनल थॉट है, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो जय माता दी, अपना ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।